अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अज़हर एजाज और आप देख रहे हैं मेरे चैनल अज़हर मंजिल। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारी मुर्गी हो गई थी कुड़क, तो उसके लिए हमें सेटअप करना था, अंडे लाने थे, तो बहुत मुश्किल लगी अंडे लेने को मिलने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से अंडे मिल गए। पहले हमें 6 अंडे मिले, फिर हम दोबारा गए, फिर 4 और अंडे लेकर आए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का सेटअप हमने बनाया है। पहले मुर्गी जो थी वो ऊपर थी, लेकिन हमने क्या कहा, नीचे लिया है मुर्गी को, नीचे कमरे में। ये एकदम सेफ कमरा है, यहाँ पे कोई नहीं आता जाता, इसलिए यहाँ पे आराम से अंडों को सेकेगी। तो मैं आपको उसका क्या बोलते हैं सेटअप दिखाता हूँ किस तरह का लाया हमने। तो भाई हमने सेटअप बनाया है, ये इसके अंदर है मुर्गी, इसको हमने ढक दिया है। देखे देख सकते हैं आप, ये रही हमारी मुर्गी, ये अंडे हैं। इसके नीचे हमने 10 अंडे रखे हैं, 10 अंडे रखे हैं हमने इसके नीचे। तो हमने इसके अंदर जो एक ट्रे लगाई है, ये ट्रे थी हमारे पास, इसको लिया। इसके अंदर हमने 2 ईंट लगाई, ईंट लगाने के बाद हमने भूसे, ये देखो हम भूस ले कर आए थे, तो भूस रखी, भूस के ऊपर हमने रखे अंडे, भूस के ऊपर हमने अंडे रखे। फिर हमने मुर्गी को इसको पास छोड़ा, मुर्गी यहाँ बैठ नहीं रही थी, दिक्कत कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे अंडे नहीं देती थी, तो ये जहाँ अंडे देती थी वहाँ पे बैठ रही थी, लेकिन अब ये बैठ गई है अल्लाह के शुक्र से। बस आपको अब दुआ करनी है कि अंडे अच्छे से सेक ले ये और इसमें से बच्चे निकले, जो मैं आपको दिखाऊँ। तो ये थी आज, ये थी बस हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना, और हाँ अज़हर मंजिल को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, फॉलो करो। बाकी आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।